तो हाय एवरीवन आप सब लोगों का स्वागत है आज के पॉडकास्ट में स्टूडेंट की बात में हम लोग लेकर आते हैं स्टूडेंट्स की बातें और उनके पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो आज के पॉडकास्ट में हम हैं आपके साथ उज्ज्वला मैम एंड निधि मैम आप लोगों से डिस्कस करने वाली है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा डेट शीट आउट एंड पैनिक इन लेकिन आप लोगों को नहीं करना है पैनिक बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सजेस्ट करने वाले हैं बहुत सारे बच्चों को, राइट right, right, बिल्कुल तो जैसी शीट आती थी अपने टाइम पर भी। पहले तो ऐसा रहता था ना कि अभी एग्जाम कि अरे आज तो डेट शीट आ गई है hmm. तो फिर ना वो टेंशन एकदम से अब आपको पता है कि इसी डेट को एग्जाम चालू हो जाएंगे प्रेपरेशन टाइम कितना कम रह गया और सबसे hmm. ज्यादा तो उन बच्चों की बुरी हालत होती होगी जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं है पता नहीं उनकी बुरी हालत होती है या फिर उनको इतनी टेंशन ही नहीं होती एग्जाम्स के लिए तो है, उसमें भी दो टाइप के बच्चे आते हैं एक 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 घबरा जाते हैं हैं कहते कोई नहीं कोई नहीं नहीं देख देख लेंगे लेंगे देखा जाएगा तो मैं तो बहुत ज्यादा एवरेज स्टूडेंट रही हूँ अपने टाइम पर अच्छा। मैंने ऐसा नहीं किया ये नहीं मानती मैं आपको मानना पड़ेगा बिकॉज मैंने कभी टॉप नहीं किया एवरेज मतलब नहीं हम लोग के टाइम पे एवरेज वाज नॉट नाइन्टी परसेंट एनी वे इतना ज्यादा बहुत ज्यादा फोकस नहीं थी स्टडीज को लेके फॉर श्योर ये तो था था ही बट uh, ऐसा रहता था कि जब ये डेट शीट आती थी तो फिर टेंशन स्टार्ट हो जाती थी पढ़ना स्टार्ट हो पढ़ना था स्टार्ट हो जाता था कि और आई एम श्योर sure ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही हाल होता हुँ, होगा हुँ। कि पूरे टाइम तो कुछ नहीं करेंगे स्कूल में फ्रेंड्स बनाएंगे बातें करेंगे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा ध्यान रहता था मैं बास्केटबॉल बहुत खेलती थी अच्छा। राइट एंड टेबल टेनिस बहुत खेलती थी तो मैं पूरे टाइम बस यही करती थी लेकिन जब डेट शीट आ जाती थी तो फिर मम्मी की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ जाते थे आपको सिलेक्शन में पार्ट नहीं लेना दिन है। इतने रह गए हैं <laughs> पढ़ लो अब तो पढ़ लो अब तो पढ़ाई कर लो तो वैसे ही होता था फिर पढ़ना शुरू करते थे तो आई थिंक मैं थोड़ा सा वेव लेंथ मैच कर सकती हूँ स्टूडेंट्स की अब डेट शीट आ गई है तो कैसा फील हो रहा होगा <laughs> uh... मेरे को ऐसा लगता है कि डेट शीट आने के बाद कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले ही बहुत तैयारी कर रखी होती है उनका रिवीजन टाइम आता है साथ ऐसा होता था कि मैं लाइक मैंने थोड़ी चीजें पढ़ी होती थी बट जब डेट शीट आती थी ना तो अंदर से मन में एक सीरियसनेस आ जाती थी तो मैं ना वो एक अपना टाइम टेबल मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी अपना टाइम टेबल बनाओ टाइम टेबल बनाओ और वो ना मेरे को बड़ी वैसे बहुत बोलना नहीं चाहिए बट बड़ी बेवकूफ वाली बात है टाइम टेबल बनाना, बनाना क्यों so क्योंकि उसमें ना आप ऐसे टाइम मेंशन कर देते हो hmm. कि बारह से दो मैं ये करूंगा आप रोबोट थोड़ी रोबोर्ट ना हो थो दो से तीन ये।, ये करेंगे चार से 5 पे ये करेंगे उज्ज्वला मैम आपने बहुत अच्छा टॉपिक ये अभी I बोला know. है कि टाइम टेबल कैसे बनाना होता है ये बहुत जरूरी है, तो है। बट ये, ये जो तरीके से टाइमिंग लिखवा दो टाइमिंग लिखवा दो उसके हम रोबोट नहीं है हम उस हिसाब से फंक्शन भी नहीं कर सकते एंड वॉट इफ आपने टेन टू ट्वेल्व इंग्लिश पढ़नी है और क्वेश्चन करने है बट उस टाइम पे हुए ही नहीं हुए तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि ये तो गड़बड़ हो गया आगे का साइंस का चैप्टर कैसे स्टार्ट करूं जब इंग्लिश ही कंप्लीट नहीं हुआ है और आप इंग्लिश को मान लीजिए चलिए कवर नहीं कर पा रहे हैं तो

हाँ, time right. नहीं, होना, time चीज़े। constraint नहीं होनी चाहिए सो येस so, yes, मैं किस तरीके से टाइम टेबल बनाती थी क्या करती थी जैसे सपोज आज एस uh, मुझे पढ़ना है सो आई वुड मेक श्योर दैट एस एस टी के चैप्टर नंबर फाइव के सिक्स क्वेश्चन मुझे आज कवर करने है विदाउट मेन्शनिंग द टाइम

इफ आई फील ओके की मुझे मैथ मॉर्निंग में करनी है तो आई डू दैट एंड इवनिंग में इंग्लिश कर लूंगी इनकेस मुझे लगा इंग्लिश पहले कवर हो जाएगी तो आई डू इंग्लिश फर्स्ट इससे क्या है कि एक टास्क अगर आपने कंप्लीट किया तो यू विल फील मोटिवेटेड राइट एंड टास्क भी हो गया सो आई थिंक ओल्ड पैटर्न ऑफ टाइम टेबल वी शुड नॉट यूज नाउ जिसमें आप लोग मैं बारह से एक इंग्लिश SSD, दो से डेढ़ दो खाना खाएंगे फिर टीवी देखेंगे मिनट कभी नहीं नहीं करता बिल्कुल भी नहीं। हाँ। क्योंकि हम कभी भी उस हिसाब से इतने ऑर्गेनाइज तरीके से हम फंक्शन कर, कर ही नहीं, नहीं हाँ। सकते हाँ। और मुझे लगता है कि सिर्फ ना वो वाली चीज होनी चाहिए कि ये चार चीज हमको आज पढ़नी है इसको कंप्लीट करना है उसमें से अब अगर आपने तीन भी करी या पूरी चार करी तो यू विल फील कॉन्फिडेंट यू विल फील मोटिवेटेड और आपका और मतलब अगर आप वो पूरा वीक फॉलो करते हो तो सोचो कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़िस्टेंसी so, uh, अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो आप देखो आपने कभी भी बनाया होगा टाइम टेबल तो कितने दो दिन चलो और फिर लाइक मेरे घर पे बोलते थे की ये बनाया क्यों है फॉलो नहीं करते हो तुम तो सो द प्रॉब्लम वॉज नॉट आस्ट प्रॉब्लम अगर उस टाइम ये पता होता की कुछ टू डू लिस्ट भी कुछ कर सकता है सो इट्स अ लेसन फॉर एवरी वन अगर आप लोग टाइम टेबल बना रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं आप बनाएंगे और फॉलो भी करेंगे बट टाइम टेबल शुड भी करेक्ट टाइम कंस्टेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए टॉपिक डिसाइड करिए और उसको जिस दिन पढ़ना है उस हिसाब से एम करिए और टाइम टेबल बनाइए और देखिए मैम एक और चीज ये है कि जब डेट शीट आती है तो जो पैनिक होता है ना वो इस वजह से होता है क्योंकि प्रिपरेशन नहीं होती नहीं होती है अगर आप प्रिपेयर्ड ऑलरेडी हो हाँ, हाँ, तो फिर तो टेंशन हो बट ये बच्चे वैसे कह रही ना कि ये पढ़ के बैठेंगे हाँ देखो एक तो वो चीज़ है कि अगर प्रेपरेशन नहीं है तो अब टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा या तो पढ़ने लग जाओ पढ़ने लग जाओ आपके साथ में क्या होता था डेट शीट आती थी तो आपका रिएक्शन कैसा होता था टेंशन बढ़ती थी या कम होती थी या सीरियस हो जाते थे या कोई फर्क ही नहीं पड़ता था मैम मैं ना थोड़ा प्लान करने लगती थी मुझे फिर पता चलता था कि इस सब्जेक्ट में तो दिन ही नहीं है इसमें बहुत ज्यादा दिन है गुड तो जिसमें बहुत ज्यादा दिन है उसको मैं छोड़ देती थी उस टाइम हाँ, के, के लिए जिसमें दिन ही नहीं है है या जो फर्स्ट एग्जाम होता है, उसके लिए फटाफट से मैं तैयारी करनी शुरू कर देती थी तो ऐसा कुछ मैं अपना पैटर्न बनाती थी कि जो चीजें पहले हैं या जिन चीजों में गैप कम है उसको मैं पहले पढ़ लूं और जिसमें गैप ज्यादा है उसको मैं थोड़ा बाद में पढ़ू बट हाँ टेंशन तो होती थी और थोड़ी वो हवा गुल हो जाती थी उस टाइम पे मैं दोस्तों को सबको मना कर देती थी अब मेरे को पानी बुलाना आ ना होली आ रही है सिक्स की होली है एट का एग्जाम है तो उसको पहले पढ़ाई कर लो बड़ी दिक्कत होती थी एग्जाम टाइम तभी दिखेंगे हाँ, लवली डेज लवली डे स्टूडेंट अभी हमसे अब हमें लगता है बच्चों की ये वाला जो आप टाइम जी भी रहे हो ना मतलब लाइफ में कि आप कितने भी आगे चले जा आपको लगेगा की वही टाइम बेस्ट था होली वाले बोर्ड एग्जाम्स और आपको लगता है अरे हमें तो पढ़ाई करनी पड़ती है तो ठीक है यार पढ़ाई तो हमें करनी ही है वो हमने करी भी हुई है बहुत हद तक अब बहुत हद तक हमें करनी भी है अगर नहीं भी करी तो यू हैव टू बी अ कांस्टेंट लर्नर ये तो नॉर्मल चीज है बट यस yes, ये टाइम वापस नहीं आता है तो आप इंजॉय करो ये जो है। टेंशन है ना ये भी मैम फिर से कहा फील होती है नहीं, ये वाली टेंशन नहीं, फील नहीं होती ना बोर्ड एग्जाम्स की ऑल्सो अगर मैं अपने बारे में बताऊ ना तो मेरी स्टडी पैटर्न ना बहुत ही अलग थी मेरे माइंड में क्या रहता था सपोज आज डेट शीट आ गई है आई एल स्टार्ट स्टडिंग

I would like, जैसे uh -huh. सपोज इंग्लिश में ट्वेंटी हैं पढ़ना तो पड़ेगा कुछ भी आ सकता है के uh, करना शुरू किया ये किया वो किया सब किया अब एग्जाम शुरू होने से एक हफ्ते पहले आई विल ऑल माई नोट्स एंड ऑल द कॉन्टेंट इन माइंड एंड आई यू नो री प्लानिंग थिंग्स की अब बताओ एग्जैक्टली exactly कैसे करना है तो एग्जाम के एक हफ्ते पहले मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती थी मतलब माइंड में आइडियाज़ uh, ऑर्गेनाइज करना उससे पहले सब कुछ हाँ हो था। जैसे जैसे टाइम वो कम होता रहता है और हाँ, एग्जाम पास आते रहते हैं और जब लास्ट के दो हफ्ते रहते हैं हाँ, तब मेरे अंदर आती थी सीरियसनेस <laughs> ये जो आप बात बोल रहे हो उससे मुझे भी ये <laughs> याद आ रहा है मुझे बहुत अच्छे से याद है की जब दो हफ्ते बचते थे बस तब मुझे लग रहा है अब तो बस चौदह दिन है अब तो कुछ तो करना पड़ेगा नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा प्लानिंग

सो so, मैम बच्चों को पैनिक ना हो इसके लिए कुछ सजेशंस आपकी तरफ से मैम मैं तो यही बोलूंगी कि तैयारी कर ले अपनी <laughs> पढ़ाई कर ले अभी तक अगर नहीं करिए और पढ़ाई करने का भी ना एक मेथड होता है लाइक अब hmm. अगर वो ये बैठेंगे जो चीज दस महीने में हो सकती है वो दो महीने में नहीं हो नहीं सकती हो सकती है।, है तो आपको ना इस टाइम पे स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन पे ज्यादा फोकस करना बेपर. है सैम्पल पेपर इस ये टाइम ही वही होता है जितने ज्यादा क्वेश्चन हम देख लें ताकि एग्जाम जब हमारे नजरों के सामने आए तो हम तब ना, ना, पैनिक करें। हाँ, तब ना पैनिक करें वो वाली चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे प्रैक्टिस प्रसाद इम्पोर्टेंट करोगे और करने की कोशिश भी करोगे तो भी नहीं कर पाओगे कुछ ना कुछ छूट हो रहा है इतना सारा सिलेबस बहुत कम है सो एज मैम सजेस्टेड आप लोग अभी स्मार्ट वर्क करना शुरू करो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफकोर्स सबसे पहले तो यू you नो know, मैम काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें अभी सिलेबस भी नहीं पता दे डोंट नो द एग्जैक्टली पैटर्न क्या होने वाला एग्जाम का सो हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ यू जाइए सबसे पहले सी बी एस ई ने जो सैम्पल पेपर अपलोड किए हुए हैं उनको देखिए है, हर सब्जेक्ट का राइट सैम्पल पेपर को देखो क्वेश्चन पैटर्न समझो हर सब्जेक्ट में right. कितने सेक्शंस हैं फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में तीन सेक्शन आते हैं ए बी सी एस एस टी में भी सेक्शन होते होंगे बहुत सारे राइट right? तो उन सेक्शन में देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन समझिए किस तरीके का लेवल है क्वेश्चन का एंड देन गो टू दिलेबस सिलेबस को समझिए अपना पूरा सिलेबस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए क्या लेफ्ट आउट पार्ट है कितना इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने वाला है एंड देन स्टार्ट मेमोराइजिंग थिंग क्योंकि याद तो करना पड़ेगा बिना याद करे ऐसा भी नहीं बोल सकते कि पेन पेपर एग्जाम है तो आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न तो करना ही पड़ेंगे बिल्कुल सही बात है और इसी के साथ मैम मतलब बहुत बारी हम लोग ये गलती करते थे मेरे को भी कभी कभी याद आता है कि कुछ सिलेबस का पार्ट होता था वो पढ़ के नहीं जाते थे और फिर पता चलता था कि ये तो आ रहा है आ रहा है सुबह सुबह पता चलता था और फिर जो थोड़ी बहुत अंदर होता भी था ना कॉन्फिडेंस वो भी गिर जाता था अब लगता था अब तो कुछ हो ही कुछ नहीं सकता पेपर का तो ये वाली चीज़ें तो काफी बेसिक है और एक और चीज बहुत important है जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है आप जितने ज्यादा सैम्पल पेपर खुद से बैठ के सॉल्व करते हो टाइम और लगाकर एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको पता है कि मेरे को तीन घंटे में वो पेपर कम्प्लीट करना है बट मेरे को हाफ एन आवर चाहिए जो मेरे अंडरलाइन अगर कुछ करनी hmm. है चीज या फिर रीड करना है पेपर को तो, तो है, उसके लिए भी कहां मिस्टेक किया है कहाँ नहीं तो ढाई घंटे का मार्जिन लेके चलो पेपर को अटेम्प्ट करने बैठो और अच्छी राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में उसकी भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिख कर आ जाएंगे तो हमें नंबर मिल जाएंगे पॉइंट वाइज लिखना अच्छी राइटिंग में लिखना पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से करना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों तो आप लोगों को हर एग्जाम के लिए अब सबका अलग है इंग्लिश में अलग तरीका है सॉल्व करने का एस का अलग है मैथ्स का अलग है तो सभी पेपर्स के आपको एटलीस्ट मैं कहती हूँ पांच तो पेपर ऐसे होने चाहिए जो आप खुद से सॉल्व hmm. करो बैठ कर, और ऐसा बना लो अभी तो बहुत हफ्ते हैं हर हफ्ते एक या दो सैम्पल पेपर भी अगर करोगे सॉल्व बैठ के हाँ, मंथ्स में एक एक एक, पेपर, एक एक पेपर सब्जेक्ट का hmm, right. अगर एवरी वीक इफ यू डू दैट तो भी मतलब काम बन जाएगा आप लोगों का कोई टेंशन hmm. लेने की बात नहीं है एंड

तो मैं बस वेट करती थी कि इसको मैं फटाफट से पलटू और देखू कि क्या आता <laughs> है, क्या नहीं आता आता है है नहीं नहीं आ आ गया गया <laughs> और फिर वही होता है ना मतलब कभी लक की भी बात होती है कि हम लोगों ने जिस चीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा होता है वही सब वो आया जाता होता है, है। या फिर कभी कभी तो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं लाइव क्लास में मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए बट मैं कैसे ही बता दू मतलब आप देखो हर सब्जेक्ट में सेट uh, भी बहुत सारे आते हैं राइट right? right. जैसे इंग्लिश में लास्ट ईयर एट सेट्स आए थे मैम अभी एट सेट्स में English में में इंग्लिश तो आते हैं ऑल सब्जेक्ट्स आई एम श्योर कुछ यस सो yes. so, उसमें भी क्या रहता है कोड अलग 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 थे और हर किसी में अलग अलग क्वेश्चंस थे मैंने तो मैं तो कराते करा, आर्ट तो मैंने अभी वो बोले हैं जो मैंने लाइव कराए थे उस दिन uh, ये लोग एक बजे का पेपर uh, खत्म होता है एंड हमने सोल्यूशन तभी स्टार्ट करा एक बजे शायद मैंने करा दिया था स्टार्ट एंड मैं कराते कराते थक गई एक के बाद एक पेपर्स आए जा रहे थे ना हो अब इसमें आप इंपॉर्टेंट कहाँ से ढूंढ के दोगे के कौन सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर पेपर में अलग क्वेश्चन था तो इंपॉर्टेंट इज नॉट द सोल्यूशन सब कुछ पढ़ के जाना समथिंग ऑफ एवरी थिंग एंड एवरी थिंग ऑफ समथिंग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो आपको करना पड़ेगा ऐसे टाइम पर मैम मेरे हिसाब से जैसे जब हम क्वेश्चंस करवाते हैं तो हम ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती हाँ, तो है है एग्जाम में पॉसिबिलिटी ना तक हम गारंटी ले सकते हैं कि जो है। हम करवा रहे हैं क्वेश्चंस वो पेपर उन्हीं में से आएगा बट बच्चों ऑब्वियसली कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े हटके पेपर में बने होते हैं जिसका आंसर शायद हमें पता हो बट वो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है हमें लगेगा की क्या क्वेश्चन है ये क्यों आ गया आंसर ऑलरेडी हमें पता होगा उसका कहीं ना कहीं हमने उस चीज को पढ़ रखा होगा so, या टेन right? परसेंट जो जो पेपर हमेशा ऐसा होगा जो तुम्हें करेगा टॉप क्रीम स्टूडेंट ये राइट अगर to... हर किसी के लिए नंबर स्कोर फुल करना इतना ईजी होता तो फिर कोई मार्क्स में कोई फर्क ही नहीं होता ना बच्चों के तो इट्स लाइक फॉर दैट वो सिर्फ दिमाग की बात है कि थोड़े जो लोग होंगे उसको वो समझ पाएंगे हाँ। या जो नहीं समझ पाएंगे तो इस वजह से थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज की जब मैं बात करती हूँ तो जो बच्चे डे वन से पढ़ रहे हैं ना उनमें वो चीज होगी होती है और वो कर लेंगे यू ट्राई टू डिकोड क्वेश्चन ये वही है जो आप पढ़ के आए हो हाँ। बस वो क्वेश्चन को चल और वो बाद में जब बच्चे को पता भी चलेगा ना कि अरे ये बात नहीं था और ये हमने गलत कर दिया तो उसमें भी काफी रिग्रेट होता है तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चैप्टर की बाल टीचर थी, थी। हाँ। तो हमेशा क्या होता था कि बच्चे बच्चे जब पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाते थे ना अपने पेरेंट्स के साथ तो पेरेंट्स बोलते थे कि मैम आप देखिए ना इसके देखो दो नंबर हमेशा ना सिली मिस्टेक बहुत करती है इसकी इस वजह से कट जाती है तो वो टीचर बोलती थी कि ये कोई सिली मिस्टेक नहीं है हाँ। ये तुमने इसको नाम दे दिया सिली मिस्टेक हाँ। क्योंकि तुम्हारे बच्चे के नंबर कटे हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक This है ब्लंडर है <laughs> ये ये कोई सिली मिस्टेक नहीं है मतलब वो पर्दा मत डालो उसमें हाँ। सिली मिस्टेक बोलकर तो वो चीज मेरे को काफी अच्छी लगती थी कि कोई सिली सिली मिस्टेक मिस्टेक नाम की mistake, नहीं right? इसीलिए मैंने ये टॉपिक <laughs> अभी यहाँ पे स्टार्ट किया बिकॉज आई रियली वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू कि अगर आप कॉन्फिडेंटली एंड फोकस्ड होकर स्टडीज करते हो तो गलती होने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है तो सिली मिस्टेक्स इज अ साइन दैट आप बहुत ज्यादा केयरलेस थे पढ़ाई करते सिली मिस्टेक का मतलब है कि हमने ही कुछ गलती बेवकूफ़ी करी है राइट right. और हमें वो चीज़ आती थी तो वो ना सिली नहीं है वो हमने बहुत कुछ गलत बड़ा ब्लंडर ही करा है उनको <laughs> so क्योंकि हम इजीली वो स्कोर कर सकते uh, थे नंबर यस right. yes. हमने अपने पैर पे खुद को लाड़ी मार एंड बिकम्स द टॉपर द टॉपर विल टेल यू हु बिकम्स द टॉपर द वन हु डज नॉट मेक Silly silly mistakes, mistakes, right? क्योंकि सिलेमिस्टिक्स इतना जनरलाइज हमने कर लिया है आप भी करोगे मैं भी करूंगी हम सब करेंगे तो हमें हम से कोई टॉपर नहीं होगा और जो एक्स्ट्रा so, टू yeah. या थ्री मार्क्स लेकर आया वही टॉपर बनेगा आई डोंट सजेस्ट सब लोगों को टॉपर बनना चाहिए या ये आपका एम होना चाहिए बट द थिंग इज की सिलेमिस्टिक्स कभी कभी बहुत भारी बढ़ जाती है तो इसको इतना ज्यादा यू नो जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है वी शुड नॉट कमिट दीज मिस्टेक्स एज वेल अगर एग्जाम्स की बात है और बोर्ड एग्जाम्स है तो फिर बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ इसको तो और ज्यादा इंजॉय करना चाहिए और ज्यादा फोकस्ड वे में तैयारी करनी चाहिए क्या लगता है मैम इनका थोड़ा पैनिक कम किया हम लोगों ने ben या बढ़ा दिया मुझे, नहीं मैम ऑब्वियसली हमने तो कम करने की कोशिश करी है बच्चों देखो हमेशा ना ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है हमें लगता है कि हर चीज को ना मतलब जब हम जिस स्टेज में होते हैं लाइफ के हमें लगता है कि दैट इज द बिगेस्ट थिंग

सीबीएसई का जो एग्जाम आता है वो ऐसा नहीं एग्जाम आएगा कि आप सोचो कि इतना कुछ ऐसा बड़ा कुछ हो जाएगा कि उसमें कोई कोई आंसर आंसर ही नहीं नहीं कर पा रहा है या कोई दे नहीं पा रहा रहा है है या दे तो इट इज अ अनरलाइज क्वेश्चन पेपर जो कि सब सब अटेम्प्ट कर सके उस हिसाब से बनाया, बनाया जाता, जाता है सो ऑन दैट जो रेशियो होता है ना क्वेश्चन पेपर का दैट इज बेसिकली इज फॉर एवरी वन आप पास तो, पास तो पास हो ही जाओगे मतलब पास हो हो फर्स्ट गई ट्वेंटी परसेंट इज पेपर जो कि ठीक mm -hmm. है आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है टफेस्ट पार्ट uh, okay. right? okay. जो बस उसी ट्वेंटी के लिए होता है जो नाइनटी प्लस लेकर आएगा राइट एंड ट्वेंटी वाला जो आसान तो है है हाँ, पर हमें मांग रहा है कि क्या हाँ। आप इस चीज चीज को समझ पा रहे हो यानी किया जा रहा है बेसिकली और और है और और एक बहुत कि आप कोई भी आंसर लिख कर आ रहे हो आपको इतने कॉन्फिडेंस से लिख कर आना है ना उस आंसर को कि एग्जामिनर को पता नहीं चलना चाहिए कि अगर आपको वो शायद हो सकता है नहीं भी आता तो भी आपको वो कॉन्फिडेंस से लिख कर आना लिख कर है ताकि बच्चों चलो सपोज पांच नंबर का है पांच नहीं मिले पर ढाई तीन तो मिले कॉन्फिडेंस के कुछ तो मिले <laughs> वैसा वाला गाने लिख के आते हैं बच्चे कुछ कुछ आपने गाने कभी, गाना तो नहीं लिखा गाना हुआ मैंने नहीं, नहीं गाना तो कभी न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ने को मिलता था कि बच्चे हाँ, बच्चे गाने <laughs> की लाइन सॉन्ग लिखा हुआ है <laughs> ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स ना करें मिस्टेक नहीं मतलब ऐसी स्टूपिड हरकतें ना करें बिल्कुल भी नहीं देखो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शायद हमें लगेगा कि कहा से पूछ ले गए हमें उसके आस पास का टॉपिक ढूंढना होता है कि पहली बात तो किस चैप्टर का है हाँ। कौन सा टॉपिक उसके रहा आ रहा है और क्या हमने वो पढ़ी है चीज तो हमें उसके बारे में क्या क्या याद है जो याद, याद that है that है one उसको लिख दो बहुत अच्छी पॉइंट बोली आपने जितना जो आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा है लिख दो क्वेश्चन को सराउंड कर रहा है उसको लिख दो आप वो ही पूछ रहा है टीचर आप ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने कि मैंने पढ़ा तो ये है बट शायद इसमें ये ना पूछा गया हो

में भी जाएंगे इनको लगेगा कि हम ये तो वही करने आ गए हैं हमने कर तो हाँ। कर ही रखा है तो बच्चों उससे टेंशन रिड्यूस होगी ऑब्वियसली प्रेपरेशन करो ज्यादा सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो अच्छा जो है नींद आठ घंटे अच्छा, की सो, अच्छा से सो सोने की जरूरत है अच्छा खाने की थोड़ा जंक फूड भी कम कर देने और एक पॉजिटिव Environment environment जरूरी जरूरी should be positive. Meditation तो शायद आप लोग अभी शुरू नहीं किए तो नहीं कर पाओगे बट हाँ हम लोग डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और जितना हो सके जंक फूड से अभी दूर रहो हाँ। because पेट साफ होना बहुत जरूरी है क्लियर uh, माइंड तभी yes. आपका काम करेगा जब आप हेल्दी फील करेंगे और अभी यू कांट एफोर्ड टू बी इल एट ऑल इस टाइम नहीं कर सकते आप ना एफोर्ड Uh, मुझे याद है मैम टेंथ में मेरी बहुत तबियत खराब हो गई थी बिकॉज ऑफ सम वेरी स्टूपेट थिंग आई आई वॉन्ट शेयर विद स्टूडेंट्स बाद में कभी बताऊंगी और आई रियली रिग्रेट किया था मैंने इस चीज़ के ऊपर कि एस एस टी का ही पेपर था और आई वॉज लाइक जब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था आई यूज टू बी लाइक कि मैं क्यों अपना वन आवर्स वेस्ट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे डॉक्टर को विजिट करना पड़ रहा है आई विश आई न्यू कि कितना प्रेशियस टाइम है एक एक सेकेंड बहुत इम्पोर्टेंट uh, <laughs> लगता है उस टाइम पे राइट right? तो ऐसा ना करें कि आप अननेसेसरीली इल हो आ, पैनिक बढ़ेगा ही आपका तो होपफुली सब लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होंगे से तैयारी करो एंड यू यार देखो अपनी तरफ से तैयारी करना वो हम अपनी साइड से कर सकते हैं पेपर में क्या आने वाला है क्या नहीं वो भी हम सोच सकते हैं कि हाँ ये आएगा या वो आएगा उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं पर अब जो आएगा वो आएगा और यू शुड बी रेडी क्वेश्चंस वही मतलब वो कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो रिजल्ट के बारे में अभी से हम हमें पैनिक क्यों होता है है क्योंकि क्यूं? हमें लगता है कि हम स्कोर है, नहीं कर स्कोर पाएंगे नहीं। हमें क्वेश्चन नहीं आएगा दैट इज द मेन रीजन वैसे भी यहाँ पर संकल्प भारत फाउंडेशन पर आपके साथ में सारे टीचर्स हैं जो एग्जाम right. के एंड तक आप लोग के साथ रहने वाले हैं सोल्यूशन तक रहेंगे मॉर्निंग में जब आप लोग एग्जाम देकर आओगे यूट्यूब ऑन करोगे तो आपको सारे टीचर्स वहाँ पे सोल्यूशन करते हुए दिख रहे होंगे तो हम हैं आपके साथ में एंड वी आर गोइंग टू नेल दिस फॉर श्योर बस आप लोग भी थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना बना के रखिए तैयारी बहुत अच्छी कीजिए एंड विद मैम्स नोट यस वी विल एंड दिस सेशन तो मैम मैं बस लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ कि हमारी पूरी टीम डेफिनेटली बच्चों के साथ है और हमने भी बच्चों दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर यू टू फील ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बींग्स ऐसे हमें डेट शीट पता चलेगी तो हमें डर लगेगा टेंशन होगी बट <laughs> उस चीज़ उस डर को हटाने के लिए हम अपनी साइड से जो कर सकते हैं अपनी जो बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हैं पूरे परफेक्शन के साथ कर सकते हैं वो हमें करनी है और उसके लिए हम आपके टीचर्स आपके साथ हैं ही दिन रात हम तो पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को पढ़ना आपका काम है तो उसको करिए अच्छा खाओ पियो आराम से सो अच्छे से एक अपना जो है टाइम ज्यादा से ज्यादा डिवोट कीजिए पढ़ाई को डिस्ट्रैक्टेड hmm. मत रहिए दीज ये दो महीने दो महीने बस उसके बाद फिर मजे ही मजे हैं टेंथ <laughs> के बाद ऐसा हमें भी बोला जाता था बट ऐसे कोई मजे नहीं है तभी तक मजे हैं जब तक अगली क्लास नहीं चालू हो जाती बट हाँ बच्चों ये वैसे भी जो टाइम है ये मजे का ही टाइम है तो आप अपना रा... मतलब पढ़ाई को भी मजे में ऑलरेडी मजा कर ही रहे हो इसी को मजा करना पढ़ाई को भी अगर आप एक फन तरीके, तरीके, तरीके से पॉजिटिव तरीके से पढ़ोगे ना चीजों को असली में अगर समझने की कोशिश करोगे और तुम उस चीज के ऊपर अगर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे ना तुम्हें पढ़ने में भी मजा आने लगेगा तो पढ़ने में भी मज़ा लेकर आओ और कुछ ऐसा करो ताकि लाइफ में एक्सेल करो और बस बच्चों पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अगर ज़्यादा पैनिक कभी हो भी जाते हो तो किसी अपने एल्डर से बात कीजिए कि उन्होंने वो कैसे स्ट्रेस को डील करते हैं थोड़ी देर बात बात कर लो किसी अपने दोस्त से बात कर लो क्योंकि एवरी इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग राइट नाउ है ना राइट एक्सपीरियंस सबके ऑल सेम भी होते हैं ठीक है वी आर ऑल्सो नॉट सो फार हम भी आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं लाइव सेशंस में आप लोगों के पास आते हैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताते हैं आपकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं एंड दिस विल कीप ऑन कंटिन्यू आप लोग के एग्जाम्स तक हम हैं आपके साथ में एंड विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट एवरी वन टेक केयर एंड बाय